सो हेलो जी, हेलो गाइस। आज हमारे दिन की शुरुआत फिर दोबारा शाम से हो गई है। हम आपको तो पता ही, हम मैं पूरे दिन सो गई यार। आज हम पहुंच चुके हैं, फिलहाल वज़ीराबाद पहुंच चुके हैं। मैंने तेरे से रिकॉर्डिंग इसलिए भी नहीं करता क्योंकि मेमोरी कार्ड मेरा सब खानी मेरे फ़ोन में था। मैंने यहाँ पहुँच के अपना मेमोरी कार्ड इसमें लगाया है, तब जाके मैं रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ। भैया जी सवाल निकालियो, जल्दी निकालो भैया जी। क्या हो गया जी, क्या हो गया, क्या हो गया? गाड़ी हम लोग हमारे को यहाँ से जाना है भजनपुरा। भजनपुरा हम लोग दो सामान लेने के बाद हम निकलेंगे, कहाँ निकलेंगे, सीलमपुर जाना है हमारे। उसके बाद सीलमपुर में काम खत्म करेंगे, फिर कहीं जाना है, जाना है फिर जाएंगे फैक्ट्री में। देखते क्या करना है यार, आज मज़ा ही अलग है यार। शाम को घूमने का मज़ा ना एकदम नेक्स्ट लेवल है। ठंडी ठंडी हवा लग रही होती है, वो पता है दस्त का मौसम, दिन चल रहा होता है, देखने में आसमान को बहुत अच्छा लगता है। हमारी ज़िंदगी में तो रंग ही नहीं है, रंग इन देंस कोई लड़की नहीं है, क्या करें भाई, कभी ना कभी भाई तब की पहले बड़ी बात नहीं आ भी जाएगी। अरे यार ऑब्वियसली उसके बाद तो वैसे शादी करनी करनी है, तो वैसे भी रहने रहने लड़की तो रहेगी रहेगी लाइफ में यार। क्या हो जाएगी एकदम ऐसे ब्रेक पे लगा रहे लाल बत्ती, यहाँ के बंदे कब से लाल बत्ती करने लग गए। हाँ फॉलो कर रहे बंदे यहाँ पर। कल यार एक बहन से बंदे का मैसेज आया, अलग गया था वो भाई, बंदा इतना बुरी तरह पीछे पड़ा ना। आई डू मैं तुमसे होटल बुक कर दूँ क्या तुम्हारे लिए, दोनों मिलते हैं अपन, क्या खाओगे क्या पियोगे। अरे बस पागल है भाई, मैंने कहा मेरे को इंटरेस्ट नहीं है लड़के वो लड़कों में, मैंने इंटरेस्ट अपना लड़कियों में ही है। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, क्या लड़कों में इंटरेस्ट दिखा दो। मैंने कहा भाई लड़कों में इंटरेस्ट है ही ऐसा बोलता है माना भाई, जब तक ब्लॉग लगाना बोलता मैसेज तो मैसेज करता है ना, मिल लो ना प्लीज मिल लो भाई यार। एक तो कटने का सकता हूँ क्या, वो किसी भी कम्युनिटी में मैंने उसको ख्याल सोचा, मैंने भाई ये को इंटरेस्ट है और करो मैसेज हट कर करो, मुझे मैसेज कर लो उसको अल्टी वल्टी ब्लॉग करना ही था। चलो कोई बात नहीं करो ब्लॉग करता हूँ, उसको ब्लॉग करा तब उसके जाकर फिर उसके बाद क्या हुआ यार, फिर ब्लॉग कर ही जाए। फिर बाद में उसका दूसरी आईडी थी मैसेज आया, फिर मैंने उसको ब्लॉक करा भाई को, पता नहीं क्या ही हो रहा है भाई आजकल। मेरी तो बॉडी नहीं, मेरे तो पतला हुआ। हाँ वो बात अलग है, पुराने वीडियो से पोस्ट कर रहा हूँ मैं अपने बाद थोड़े, मतलब मेरी इंगेजमेंट रहे, मतलब मेरी आईडी पे इंगेजमेंट रहे, इंगेजमेंट मुझे ना जाए तो मैं पोस्ट करता ही रहता हूँ, कुछ ना कुछ ना कुछ पोस्ट करता ही रहता हूँ। अभी हम भी अपने यार दोस्त घूमने यार, मतलब घूमने बैट बॉल खेलने आते थे ऐसे ही, मेरी स्कूटी होती थी एक्टिवा, तीन दोस्त। हाँ पहले कभी घर बॉम्बे जाते थे रेगुलर जाने के लिए, कभी कभार मधुबन पार। क्या हो गया, बस का ब्रेकअप हो गया, ब्रेक डाउन, बस का हो गया ब्रेकअप। एक बार साइड वहाँ यार लेनी है यार, मेरे को भी बढ़िया सी बाइक लेनी है यार। क्या भाई भाई इतना सागर सुपर बाइक लेने का सपना ही अच्छा लग रहा है, अपने ऊपर करना है और काम करते रहना है यार, सब काम में काम करो, हर काम में काम करो, कुछ कराए कुछ तो कराए थे अभी खाना आज ना कराए। पहले आप बहन का अभी ट्रक मिलिए बच्चे हो उनकी सौ अभी सब पक्ष हो जाएगा, तुम सोच रहे हो आसान पैसा आ जाएगा, अरे लौड़ा कहीं से पैसा नहीं आता, वैसे तो गाँव वरानी पड़ेगी भाई, किसानी पड़ेगी, बिना किसानी तो कुछ नहीं मिलता आज के टाइम पे।
और जो आज के टाइम में भाई ऊपर बैठे हैं ना ये अंबानी वगैरह भाई, इन्होंने बहुत मेहनत करी, इनके पास कोई वो नहीं आया चमत्कार जादू की छड़ी नहीं आई है, सब बंदे नीचे से उठे हैं और बहुत मेहनत करी। आजकल के बैंक में सोचते हैं कि चलो भाई कोई नहीं एडिटर खेलने हैं जुआ खेलते तो बैंक कैसा आ जाए, लौड़ा एक बार कैसा आ जाओ उसके बाद बैंक सारा पैसा खुल जा रहा है एक सेकंड के अंदर। भाई यही हुआ था मेरे साथ, कल बैंक में खेलता का खेलता का 3,500-4,000 हो गए एकदम भाई डाउन फॉल मारा। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं 4,000 में बैठ करते हैं भाई, 4,000 बैठ करा वो सीधा 5 पैसे का, मैंने कहा छुट्टे सारे पैसे। फिर उसके बाद मैंने कहा हाथ जोड़े डीप सांस ली और सो गया, मैंने कहा अब निकलना यार कुछ जाम लगता ना इस टाइम, निकल जाओ यार थोड़ा जाओ साइड से निकलेंगे जहाँ भी हमें निकलने देना। ओके खैर अब तो सही बना दिया रोड, पहले तो इतना जाम हो रहा है रोड में, मुझे तो बहुत टाइम हो गया आते आते यहाँ पर, फोटो ब्लॉगिंग अब स्टार्ट करिए हमें यहाँ पर कम से कम भी मान लो मेरे 4-5 साल कंटिन्यूस किया, 4-5 साल बहुत जाम रहता भाई उस वाली साइड पर भाई, इतना जाम रहता था ना पहले इतना जाम पुल के ऊपर ना सभी ब्रिज वाले रोड पर जाम रहता, इतना जाम लगा रहता भाई। भैया जी हमको जाने के बाद बन जा गए मेट्रो बन गए ऊपर भजन पुरान कुर्सी बन जाएगी वही होगा, यहाँ पर जाम कम लगेगा जाम बहुत रहेगा यहाँ पर बनेगा, इतना जाम तो नॉर्मली रहेगा ही रहेगा लेकिन पहले के मुकाबले अब तो किसी जाम लगता ही नहीं भाई, अरे इतना जाम लगता है अरे कहाँ जाओ चलो निकल जाओ हम निकल जाएंगे लेफ्ट का, पेट्रोल भी नहीं है गाड़ी में हमको पेट्रोल ही डलवाना भाई, पेट्रोल वगैरह मुझे नहीं पता भाई, मुझे कुछ ही चाहिए चाहिए मतलब चाहिए बल्कि ना ना मैं ना दूँ थोड़ा मैं कोई बात ना। कोई बात ना नहीं देगी नहीं देगी उसकी जब सीधा लाल ऑन दिया भैया आपकी रॉन्ग साइड आ रहे पुलिस वाले की रॉन्ग साइड आने लग गए करके गाँव की शादी आ रही है तो बस जाने का और टाइम मतलब लगेगा मैं जा पाऊँगा तो है अच्छा कोई बाद में डरवाएंगे पर वो हमारे पहले हम अपने डेस्टिनेशन में पहुँच जाए अपनी दुकान थी लेने तक दुकान बंद ना हो वरना अंकल साथ ही बना रहा था हमेशा इनको फ़ोन करके पहले ही बोल रहा हूँ अंकल तेरे लिए रुकान अंकल अच्छा कि रुक जाता हूँ भाई तो आ रहे थे साथ ही कर लो भैया जी साइड हो जाओ और रोड पे ऐसे घूम हो गए नहीं वहाँ तो ये रहेगा कि हाँ मेरे पीछे पीछे मेरे पीछे सब एक मोमेंट रहता है चुप एकदम शांत वाला मोमेंट होता है वाओ ऐसा वाला जब भी कोई लड़की देखते मेरा दिल दीवाना बोले ओले 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 ऐसे राइट इसी वाली गली में ये है जाने के लिए नहीं अरे भैया जी रहने से पूरी रोड पे गाड़ी लगा रहे अंकल हमारा हाथ में पड़ गया हमारे को यहीं तक आना है अंकल के यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं ये अंकल की शॉप है बाकी मैं यहाँ से फ्री होके अब फिर तुम्हारा ब्लॉगिंग चालू कर दूँगा। तो वहाँ से निकले और मिल गया जाम भाई बड़ी मुश्किल से जाम में निकले हैं जब तक अंकल भी चलेगी ना जाम यहाँ रहेगा ही रहेगा भाई बता रहा हूँ बिल्कुल भी मन नहीं करता आने कई बार शाम के टाइम में तो मैं ज़्यादातर अवॉइड ही करता हूँ यहाँ पर आना रात भाई इतना जाम मिलता है इतना जाम मिलता है ठंड में चलो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन भाई सर गर्मियों में पैर जल जाते हैं भाई यहाँ पर बसों की भीड़ होती है गाड़ियों की भीड़ होती है इतना दिमाग घूम जाता है बस चलो आज दिखाता हूँ तुम्हारा सुनने के लिए शाम के टाइम क्या था पर मेरे को याद आज लाइट नहीं लाइट जैसी
आपको दिख जाएगा, ऐसा तो नहीं दिख जाएगा। ना दिख रहा हो यहाँ पर लाइटिंग अच्छी होती है तो आपको कुछ भी कह लो भाई, दिल्ली अब पहले तो बहुत सही हो गई है, बहुत सही हो गई। पहले इतना सब कुछ खा रहे थे जितना हो गए 25 ईयर तो मेरे को हो गए दिल्ली के अंदर, वो संभाले को मेरे को मान के चलो भाई 22 साल तो वो संभाले को हो गए, 20 ईयर का हो गया, 3 साल पहले 4 साल 14 साल 5 साल मतलब 5 साल का थोड़ा ये हो गया, यहाँ घर वालों का साथ जाने लगे थे। और फिर भी आधा भाई मुझे लगता है पहले का मुकाबला फिर भी बहुत भाई, क्या हो गया, क्या हो गया, क्यों आ रहा हूँ, क्या हो गया, क्या दिक्कत आ गई, जाम है, जाम तो निकल जा रहा है, मिनट से पहले वहाँ पे मार्केट आ गई। और यहाँ नॉर्थ ईस्ट के लोग बहुत हैं, कैफेज वगैरह बहुत हैं भाई, यहाँ जनरली लोग यहाँ पर शॉपिंग करने भी आते हैं, कैफेज भी अच्छे हैं तो कैफेज में भी इंजॉय करने आते हैं शाम के टाइम। दीदी जी साइड जाओ, मेरे शायद कान में अच्छा रुक गया। अरे एक तो ना ये रात के टाइम पे ना मच्छरों का सीन चला था, कान में घुस जाते हैं, बहन के बड़े आँख में घुस जाते हैं, वो शरीर इतना दिमाग घूमता है ना, बस मेरे को लग रहा है मेरे कान के पास एकदम मच्छर है, साला कान में घुसना चाह रहा लेकिन ये लीड ने बचा रखा मेरे को अभी तक, कान में घुसना है बहुत बड़ी वालों चल चल कर रोड़ते मतलब बाप की आँख समझ ली, बाप के कान समझ लिया तो बाप को है। हम वहाँ पर मजनूवटी का मजनूवटी लेके आएंगे आज के बदल बाटी सारे नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं। गुरुद्वारा मजनूवटी का आएगा, शायद विजिबल ना हो मेरे को, बस कितना मेरे को दिख रहा है उसको आँख पर हल्का हल्का ही दिख रहा है, पेड़ बहुत सारे हैं यार। माइक का जुगाड़ करना है, इसका माइक तो लाना है, चोर बाजार से ही लेकर आ जाऊँगा यार, सस्ता मिल जाएगा एक तो चीज़ सही तो होगा। अब ऑनलाइन आज करूँगा ऑर्डर, 2 दिन बाद आएगा, इसका इंतज़ार अलग करना पड़ेगा यार। जाम लग गया यार, जाम अच्छा ये मोड़ है ना यहाँ पर यू टर्न है तो इस चक्कर में जाम लगा। सो वॉट,
ऊपर चढ़ा देंगे, क्या दिक्कत आ रही है। खुदा भी हमने बाइक मतलब कल का दरिया बहा दिया हमने, बच्चे उठा रखा भाई, पूरी फैमिली है रे यार। ये सपना है मेरे को ये वाली बस चलाने भाई, ये मेरा ड्रीम है मेरे को ये वाली बस चलाने पहाड़ों में। एक हैवी ड्राइवर वाली फीलिंग आई भाई, सारे सपने पूरे तो करते हैं, बहुत से सपने मेरे पूरे बाहर इंडिया जाने के सब भाई आगे। और जब भाई तैयार भी करके देखिए, सब कुछ कर लिया जिंदगी में, सब कुछ पूरा खा लिया भाई, और ये सपना मेरा पूरा हो गया ना भाई। बंदे को सपने होते हैं नेक्स्ट लेवल अलग अलग, सुपर कार खरीदूंगा, गैरेज बनाऊंगा, ये करूंगा, वहाँ खोलूंगा, बहुत सारे मेरा सपना है भाई। चलो बस चलानी है वॉल्वो 9400 सीसी वाली, और भाई वो भी पहाड़ों में, ये अलग ही सपना है मेरा। देखो ये करना है किसी भी हालत में, पूरा करना है। मेरा नॉर्मल लाइसेंस तो है बट मेरे पास बैच लाइसेंस नहीं है, बैच बनवाना है। बैच अभी दिल्ली में बन रही है और बन रही है तो बहुत ही महंगी है भाई, 25,000 फीस है। बट मैं सोच रहा हूँ अभी थोड़ा वेट कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या है क्या नहीं है। अभी एक तो मेरा केस भी चल रहा है इसको भाई। रोड पर जब भी चलो ना, तुम दूसरे वाले को सोचो भाई, तुम बेशक ठीक चला रहे हो लेकिन सामने वाला ठीक नहीं चला रहा। एन के ये मेरे बाप सिखाता था भाई, तुम बेशक जैसा मर्जी चल रहा है लेकिन सामने वाले का नहीं पता कैसे चल रहा है, तू वैसे कितना सतर्क रहे सामने वाला भाई। तो इतने किसी में भरोसा मत कर, नॉर्मल अपनी लाइन में चलता रहे और इतने आवाज नहीं करता हमारे ठीक है। जब काम ठीक है तो है नहीं किसान बाबू चलाते हैं पीछे बैठता हूँ, ये वो दिन ऐसे रह गए। बट एक बात है भाई, काटना हो ना भाई, काटना सीखना हो तो लड़कियों तो बाप भाई इतना भयंकर काटती है ना, मैं बता रहा हूँ मेरे पास लेटर्स पढ़ेगा ना, अगर आपको लेटर्स पढ़ाऊँगा ना मैं शुरू वाले लेटर्स, आई कांट लिव विदाउट यू, यू आर द ओनली वन टू मैन आई लव इट। मांग बोल रहा है इतना प्यार मोहब्बत वाला फोटो लिख देते हैं ना लेटर पे भाई, फोन से लेटर लिख देते हैं बहन की चू, और हम सोचते हैं कि नहीं मेरा बाबू मेरे से प्यार करता है, मेरा बाबू किसी को नहीं चाहता, मेरा बाबू सिर्फ मेरा है। अरे लौड़ेगा लौड़ेगा बाबू, वो क्या बनाता है भे लड़की वाला और हीरो ना अलग ही रहता है, अलग ही क्या बना है भाई। अब लड़कियों में इतना इंटरेस्ट मतलब ऐसा नहीं है कि इंटरेस्ट कम हो गया, बट ऐसे कोई लव स्टोरी टाइप कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं है। अगर डेस्टिनी में लिखा होगा कोई लड़की को जिंदगी जो मेरे को मिल गया मैं एफर्ट नहीं डालूँगा, बट अगर कोई ऐसा मोमेंट मिलता है जिसमें कोई लड़की लाइफ में आ गई तो फिर देखते हैं, वरना जब तक तो मेरा तो कोई सीन नहीं भाई। अब इससे आप सिंगल रहो भाई, अपने आप में मान लो अपने आप में काम करो, कोई लड़की तो अच्छी होगी ना तो खुद बोले देखिए तो खुद मिलता हूँ, तो जो करना वो करो ठीक है ना। अपनी ना ना कहीं मार रही ना मैं किसी और ऐसे नहीं और लिटरली ऐसा ही मैं अगर मैं मेरी अगर बोलिए ना भाई तू तो सिर्फ बातों में बाबा जी को मंदिर निकल गया मैं अगले बाबा का ऐसे ही जाऊँ भाई। एक अलग ही प्राउड फीलिंग होती है जब पता हम हिंदुस्तान में पैदा होते हैं ऊपर से सब घूमते तो भाई प्राउड मोमेंट होता है एक। हाँ और कभी कभार ऐसे जब गाने चल रहे थे ना हनुमान जी के या राम जी के तो भाई एक घूस बम्स आते हैं मेरे को, और लिटरली आज भी वैसे ये सेम जैसे पहले मेरे पास घूस बम्स आते थे और आज भी घूस बम्स आते हैं। जब भी ऐसे भाई हनुमान के भजन चलते हैं ना भाई राम जान की बैठे ऐसा लगता है भाई आप उस समझ कहीं चला गया भाई, मतलब एक नेक्स्ट लेवल फीलिंग होती है, वो डिस्क्राइब नहीं करी जा सकती भाई, वो बिल्कुल डिस्क्राइब नहीं करी जा सकती। मेरा फीलिंग होती है ना एक वो नेक्स्ट लेवल की होती है। आगे करते करते हम आ गए सलोनी से घर मन बिना पड़ता जो सामान है वो ऑर्डर करवा लेंगे, क्योंकि यहाँ पर इस टाइम बहुत जाम होता है तो सिंगल रेट रुपया 100-150 मिलेगा
तो इतना एफिशिएंट हो गया है कि हम अपने बैटरी को कल ज़्यादातर कॉर्ड के थ्रू रख सकते हैं। बहुत एफिशिएंट चीज़ है, क्योंकि जोमेटो आ गया, खाना मंगाना आसान हो गया, पहले होटलों की लाइन में लगे हो, अब ये सही है, ऑर्डर कर दो पहले ही, खाना कमा दो, अपने आप आ जाएगा। ऐसे ही तुम ये भी हो जाएगा ना, ऐसे लोग रोज़गार भी मिल रहा है, सही चीज़ है यार। पाकिस्तान से आज तक हाँ, एक बारी मेरे दोस्त ने लोग बोले साथ स्नैचिंग कर ले, सही बोला था तो मेरा भाई, एक बार उसको लिया था कर ले भाई, लेकिन नहीं यार ये सब चीज़ें बेकार हैं, तो किसी का मैं कमाई की हो भाई। एक बार तो मैं और मेरे पापा जा रहे थे, तब मैंने शुरू से देखते स्नैचिंग कर रहा था बंदा, भाई बंदे आए बगल में ऑटो पे लगाए, उन्होंने लड़की ने पर्स बाहर निकाल रखा था, उसने पर्स पकड़ा और स्नैच लिया वैन से, और वो कुछ कर ही नहीं हुआ, वो देखती रही ऑटो वाला दिख रहा है, मैंने उसके पीछे भगाई लेकिन बाइक अच्छी नहीं, के टी एम होती पल्सर होती है ना बोलती है, मैं एंटार पे था कितने ही कट मार लो अपने बाप के साथ बैठ के, पापा को भी डर लग जाएगा भाई मैं गंदे कट मारूंगा, तो हम कुछ कर नहीं पाए। वो बंदे क्या करते हैं भाई, एक उन्होंने रूट पकड़ा होता है तो एक रूट पर चलते हैं, यहाँ से जाएंगे सीधा आगे से यूटर्न, मैंने उन बंदे को देखा उन्होंने यूटर्न मार लिया वापस रोड पर चल गए, और भाई इवन पुलिस वालों को भी यहाँ तक मुझे पता होता है कि यार ना नंबर प्लेट तो होती नहीं है, नंबर प्लेट उसकी होती है कि, और भाई पुलिस वाले अच्छे से उनका एड्रेस होना चाहिए भाई, यही पैसे हो रहे अपर बहन से पैसे होती नहीं, बट फिर भी पुलिस वाला आपको हाथ दे रहे हैं। आप पेट्रोल डलवाने वाली गाड़ी में भाई बोलेंगे पेट्रोल नहीं डलवाया, यहाँ खड़े होते हैं पुलिस वाले भी ऐसे खड़े हैं नॉर्मली, ना किसी को पकड़ना ना कुछ, अब हम आपको मोटो चुन कर देते हैं, मोटो चुन कर कुछ पैसे भाई। ये वाला देखो ना तो ये रोड बड़ा मस्त लगता है शाम को, यहाँ पर हम फंस बैठे खाने से भाई, बाकी पेट्रोल डलवाने के बाद हम कर देंगे ब्लॉक पे एंड, फिर से यहाँ से जाम मिलना है, लक्ष्मी नगर का जाम होता ही होता है भाई, लक्ष्मी नगर में मन नहीं करता लक्ष्मी नगर जाने का, पाड़ने वाले साइड से भी जाम मिलता है, मैंने कहा चलो ठीक है जाओ यहाँ से जाओ जाम से पेट्रोल डलवाने के बाद मिलता है। पेट्रोल तो डलवा लिया हमने और हम जाएंगे अभी उसकी तरफ, कुछ काम तो रह गया लेकिन बहुत ज़रूरी था, बट देखते हैं अभी क्या करना है क्या नहीं करना, चल के देखते हैं, अगर क्वार्टर से मंगा लूँगा तो वेल एंड गुड है, बंदे बोलो भाई क्वार्टर कर देगा अबे, पूरा रोड ना थोड़ा वैसा है वाला, भैया जी अरे कहाँ करके मानो भैया जी, तो इसमें शायद आवाज़ क्लियर नहीं आती होगी क्योंकि अभी इसमें माइक लगा लिया, तो हवा की भी आवाज़ बहुत तेज़ भी आती है, अब
यार कहा कि ले जाऊँगा यार संडे को जाके, चलो बाकी आज के लिए इतना ही, आगे मिट्टी के पत्थर उत्तर लग जाए, लौड़े मेरे लग जाएंगे, तो तब तक के लिए नेक्स्ट ब्लॉग का इंतज़ार करिए, टाटा।